Hello and welcome to Mining Area. Today we are going to talk about important gases found in underground mine. Before that, please subscribe to the channel and hit the bell icon to get further notification. Let's start. भूमिगत खान में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा 9 प्रकार की गैसें मिल सकती हैं, जैसे पहला है गर्म गैस फायर डैम्प, इसका केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है। दूसरा है ठंडी गैस ब्लैक डैम, CO2 प्लस N2 का मिश्रण होता है। तीसरा है खूनी गैस वाइट डैम, CO, इसका केमिकल फॉर्मूला है। चौथा है खांसी गैस नाइट्रस फ्यूम्स, इसमें 4 अन्य प्रकार की गैसें मिक्स होती हैं। पाँचवा है पोंचा गैस स्टिंक डैम्प, ये सड़ी हुई गैस कहलाती है। छठा है गंधक गैस सल्फर डाइऑक्साइड इसका। सातवां है हाइड्रोजन गैस, इसका केमिकल फॉर्मूला H2 है। आठवां है आग की गैस गोब स्टिंग, और नौवां है विस्फोटजनित गैस। ये आज की वीडियो आप लोगों को गैस टेस्टिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों शुरुआत करते हैं फायर डैम से, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। यह खान की सबसे मशहूर गैस होती है। सामान्यतः यह खान में कोयला खानों में मिल ही जाती है। माइनिंग एग्जाम में तो इससे रिलेटेड 1 या 2 से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण गैस है। तो देखते हैं, यह मुख्यतः मीथेन नाम की गैस है, जो गर्म तो नहीं परंतु आग या बिजली की चिंगारी से किसी गर्म वस्तु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है। इसीलिए खदान में इसे खनिक लोग गर्म गैस कहते हैं। यदि इस गैस को 650 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 10 सेकंड के लिए मिल जाए, या फिर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से सिर्फ 1 सेकंड के लिए संपर्क मिल जाए, तो यह तुरंत आग पकड़ लेती है। इसीलिए अंडरग्राउंड माइंस में मशीन को हीट होने से बचाना पड़ता है, ताकि खान में आग ना लगे। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 होता है। यह हवा में कम से कम 19% रहना जरूरी है। ठंडी गैस ब्लैक डैम, यह खान में बुझाऊ गैस के नाम से जानी जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और अतिरिक्त नाइट्रोजन का मिश्रण है। यह गैस किसी भी मिश्रण में हो सकती है, परंतु यह कोयला खानों में 12 से 13% CO2 और 87 से 88% नाइट्रोजन होता ही है। पहला है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 होता है, अतः यह हवा से भारी होने के कारण खान के सबसे निचली भाग में मिलता है। इसमें न रंग न गंध परंतु हल्का तेजाब सा खट्टा स्वाद होता है। तीसरा है, करीब 20% ब्लैक डैम रहने पर सेफ्टी लैंप अपने आप बुझ जाती है। देखते हैं, तीसरा है वाइट डैम खूनी गैस, खून के लाल कण को नाकाम कर देती है, जिससे रक्त द्वारा विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने की कार्य शक्ति नष्ट हो जाती है। इसका प्रभाव वैसे ही होता है जैसा खून हो जाने से या रक्त बह जाने से होता है। यह एक प्रकार को मनुष्य को खून कर देती है, इसलिए इसे खूनी गैस कहते हैं। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 होता है। यह हवा से थोड़ी हल्की होती है। दूसरा, यह रंगहीन और गंधहीन होता है। तीसरा, यह गैस अत्यंत हानिकारक होता है। चौथा, हवा में खूनी गैस 12.5 से 74% है, पर यह विसरण होता है। चौथा है खांसी गैस, खान में ब्लास्टिंग से उत्पन्न होने वाली विभिन्न ऑक्साइड गैस के मिश्रण को खांसी गैस या नाइट्रस फ्यूम्स कहते हैं। यह लालिमा लिए भूरे रंग की गैस है, और यह दम घोटने वाली तीखी गंध वाली हानिकारक गैस होती है। इसके मिश्रण है नाइट्रिक गैस, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पांचवा है स्टिंक डैम सड़ी गैस या पोंचा गैस, इसका केमिकल फॉर्मूला H2S होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को खनिक लोग पोंचा गैस या सड़ी गैस कहते हैं, क्योंकि इससे आने वाली गंध सड़े हुए अंडे या सड़े हुए प्याज जैसी होती है। पहला, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.18 होता है, अतः यह हवा से भारी होती है। बी है, हवा में 4 से 45% रहने पर यह विस्फोट होता है। सी है, परमिशिबल लिमिट 10 PPM होता है। डी है, 1 PPM रहने पर यह गैस पकड़ में आ जाती है, क्योंकि यह सड़ी गैस या पोचा गैस होती है। स्टिंग डैम पानी के पुरानी सम्प में, पुरानी खान ओल्ड वर्किंग के जमा पानी में या आग लगे गोफ के किनारे मिलता है। छठा है सल्फर डाइऑक्साइड गंधक गैस, यह गैस खदान में सामान्य नहीं मिलती है। जिन खानों में कोल सीम या आसपास के पत्थर अस्त्रों में गंधक पायराइट के रूप में अधिक मात्रा में होती है, उन्हें ब्लास्टिंग से या आग लगने से अल्प मात्रा में यह गैस बनती है। उपरोक्त प्रकार की खानों में विस्फोट से उत्पन्न होने वाली गैस में आफ्टर डैम में गंधक गैस मिलती है। खान में काम आने वाले डीजल लोको या अन्य डीजल की एग्जॉस्ट गैस में भी गंधक गैस काफ़ी कम मात्रा में मिलती है। यह गैस गंधक और कॉपर पायराइट, तांबे की पायराइट की मेटलीफेरस खान में ब्लास्टिंग करने पर यह आग लगने से विशेष मात्रा में मिलती है। सल्फाइड डस्ट के विस्फोट में यह गैस 2 से 3% भी बन सकती है, यह ज़्यादा नहीं बनती है।
इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.2 होता है, जो खान में मिलने वाली सबसे भारी गैस होती है। बी, इसका परमिसिबल लिमिट 5 ppm तक ही होता है। यह रंगीन होता है। डी है, न जलती है और न जलने में सहायक होती है। ई है, इसे आई हीटर के नाम से भी जाना जाता है। सातवा है हाइड्रोजन गैस, इसका केमिकल फॉर्मूला H2 होता है। हाइड्रोजन गैस खानों में बहुत कम मिलती है। बैटरी लोकोमोटिव, बैटरी चार्जिंग स्टेशन में बैटरी ओवरचार्ज होने पर निकलती है। कोयले के कुछ अपूर्ण दहन से भी हाइड्रोजन गैस बन सकती है। पहला है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.69 होता है, सबसे हल्की गैस। बी है, यह रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। सी, यह हवा में 4 से 75% रहने पर आसानी से विस्फोट हो सकती है। कोविस्टिंग आग की गैस है। खान के गोफ में कोयले का स्वतंत्रपन होने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, खूनी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनती है। इसमें मेन है स्पॉन्टेनियस हीटिंग होना। यह आग तेज होने पर धुआं और कोयला के गंध वाली गैस निकलती है, इससे पोंछा गैस निकलती है। इन सबके मिश्रण को गोविस्टिंग कहते हैं। यह बहुत ही हानिकारक गैस होती है, पता भी नहीं चलता और आग पकड़ लेती है। आखिरी गैस है आफ्टर डैम विस्फोट जनित गैस। गर्म गैस या कोल्ड डस्ट के विस्फोट होने पर खान में पाई जाने वाली गैस के मिश्रण को विस्फोट जनित गैस या आफ्टर डैम कहते हैं। इसके अंदर खूनी गैस, ठंडी गैस, कुछ गर्म गैस, विस्फोट के बाद बची हुई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ हाइड्रोजन गैस भी होती हैं। वीडियो में बस इतना ही। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मीथेन गैस की संपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।